आगे बढ़े हैं और आपको बताएं कि गुजरांवाला के अंदर मुहर्रम उल हराम की मुनासिबत से शहर 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 खामोशां पहुंच गई है। अपने प्यारों की कब्रों पर फातह ख्वानी की फूलों की चादर भी चढ़ाई गई। मजीद बता रही हैं शाजिया चीमा। आज बिल्कुल नौ मुहर्रम उल हराम के दिन का आगाज होने से लेके अब तक जो है शहरियों की बड़ी तादाद अपने प्यारों की कब्रों पर पहुंच चुकी हुई है। वहां पर वो जो है अपने प्यारों की कब्रों पर जो है मिट्टी डाल रहे हैं, इसके साथ साथ उनकी कब्रों की लिपाई कर रहे हैं और उसके बाद वो फूलों की पत्तियां डाल रहे हैं, हार डाल रहे हैं। शहरियों की बड़ी तादाद है वो यहाँ पर मौजूद है, जिसमें खवातीन हैं, मर्द हैं, बच्चे हैं, जो अपने प्यारों की कब्रों पर आकर जो है फातिहा ख्वानी कर रहे हैं। इस वक्त हम जिस कब्रिस्तान में मौजूद हैं वहाँ पर शहरी से हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे किस प्यारे की कब्र पर आकर जो है वो आज फातिहा ख्वानी कर रहे हैं। मुहर्रम शरीफ है, इसलिए अपने कबा भाई की, बाप की और अपने नाना की कब्रों पर आए हैं। जी, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना है कि आज वो अपने प्यारों को साल भर वो याद करते हैं, लेकिन मुहर्रम के दिन कुछ खसूसी हैं, जहां पर वो करबला के शहीदों की याद में भी कुछ सोगवार होते हैं, कुछ उनको अपने प्यारे जो है वो याद आते हैं, इसलिए वो यहाँ पर कब्रिस्तान में आकर अपने प्यारों की कब्रों पर मिट्टी डालते हैं, फूल डालते हैं और फातिहा ख्वानी करते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग जो है वो कार्य सवाब के लिए जो है यहाँ पर बिल्कुल फ्री जो है वो तमाम काम करते नजर आ रहे हैं। जी।